वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए यहां पर नौकरी की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं BARC की, यानी भारत ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की। देखो भाई, इसमें बहुत सारी वैकेंसी है जो IT वाले बच्चों के लिए है, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी है जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, पूरा क्राइटेरिया आपके लिए रख दूंगा। तो ध्यान से वीडियो को पूरे तरीके से देखना, क्या पता आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपको बता दूं, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी कि आपकी पोस्टिंग कल्पक्कम में हो, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका चेन्नई या मुंबई में से आपका किया जाएगा, मतलब वहाँ पे जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑल इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि जहाँ वैकेंसी निकले वहीं के बच्चों को मौका दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर पर आ जाते हैं। तो प्लांट ऑपरेटर में 7 पोस्ट है, जिसमें आपको 12वीं पास होना है, और 12वीं आपका PCM से होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और आपका जो है यहाँ पर टोटल एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट पे आ जाते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट पे तो यहाँ पर 4 पोस्ट है, जिसमें आपको 12वीं पास होना है PCM से, या फिर आपका जो है यहाँ पर 10वीं पास है वो भी चल जाएगा विद अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ठीक है। और साथ में ये इनमें से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेन पोस्ट है, अगर आप PCM से पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर लेना, प्लांट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो इसे छोड़ देना लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। मैं आप जो है नीचे चलता हूँ। ये देखो ITI वाले बच्चों की आ गई। ITI में फिटर की 12 है, वेल्डर की 2 है, टनर की 1 है, इलेक्ट्रिशियन की 4 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 8 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 है, AC मैकेनिक की 1 है, और एक पोस्ट नीचे भी है पेंटर की, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। भाई देखो, यहाँ पर अभी बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं है कि SCVT वाले और NCVT वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने जो है डिपार्टमेंट को मेल भी भेजा, देखते हैं कब तक रिप्लाई आ जाएगा। कोई अभी तक तो रिस्पांस नहीं आया, मे बी संडे है आज, इस वजह से रिस्पांस ना आया हो। मैंने कल रात में कर दिया था, हो सकता है कि कल आ जाए। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपको वहाँ पे SCVT और NCVT दोनों का कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो इट मीन्स दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वाले भी और NCVT वाले भी, ठीक है। और अगर वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि आप NCVT वाले हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन NCVT का आ रहा है ब्रैकेट में या फिर साथ में, तो NCVT वाले कर सकते हैं। बाकी आप जाना, अगर आप SCVT वाले हैं तो फॉर्म की साइड पे, फॉर्म कल से इसका स्टार्ट हो जाएगा, और देखना अगर NCVT आ रहा है तो छोड़ देना, अगर SCVT आ रहा है तो भर लेना। ये बात कर रहा था SCVT वालों के लिए, और NCVT वालों को तो भरना ही है, किसी भी हालात में छोड़ना मत। अगर आपने DRDO का फॉर्म फिल किया है, आपने जो है इसके अलावा ISRO का फॉर्म फिल किया है, इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो PSU उसके फॉर्म निकलते हैं उसके फिल करें, तो मौका मत छोड़ना यार इसका भी, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। हो सकता है एक में से आपका जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको 10वीं पास होना है साइंस और जो है मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिटर, वेल्डर, टनर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और AC मैकेनिक में से एक में आपका जो है RNAC, ठीक है। AC मैकेनिक हो, RNAC हो, एक ही बात है। इनमें से आपका एक ITI क्लियर होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का अगर आपका ITI क्लियर है साथ में, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है वेल्डर वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो 1 साल का होता है, तो उनके लिए अलग कंडीशन है। अगर आप 1 साल वाला ITI किए हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, 2 साल का डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल वालों को क्या कर रहे हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर आपने यहाँ पर NAC ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने किया हुआ तो चल जाएगा, ठीक है। आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है और आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है तो वो भी चल जाएगा, यानी 2 साल मिला के हो गए। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया। आपके पास यहाँ पर जो है ये जो बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ, NTC यानी ITI पास आउट होना है आपको, 1 ईयर का ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे भी हो, रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप आई थिंक जो दो साल की ट्रेड्स हैं वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर लें, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 1 साल वालों के लिए इन्होंने कंडीशन रखी हुई है। तो जो मैं कंडीशन आपको बता रहा था वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, 4th वाली, जो 1 ईयर का आपके पास जो है सर्टिफिकेट है और आपने 1 ईयर की जो है अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो 2 साल हो गए टोटल मिला के, वो चल जाएगा। ये इनकी वेबसाइट है, कल से इनका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, 2 साल के लिए आपको पहले ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको परमानेंट करेगा। तो 2 साल में आपको पर मंथ इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, पहले साल आई थिंक इतने, दूसरे साल इतने, लेकिन जो भी अच्छा है उसके बाद तो परमानेंट कर ही रहे। एज 18 से 22 साल एज है, 7/8/2019 के बेस पर कैलकुलेट की जा रही है। आपका जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी होगा SC ST और OBC को। लड़कियों के लिए कोई फ़ी नहीं है, लड़कों के लिए फ़ी है जनरल कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में। SC ST वालों को कोई फ़ी नहीं है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो।
ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, ध्यान रखना आपका जो है मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होने चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 केजी होने चाहिए। अगर हाइट थोड़ी 5-6 सेंटीमीटर कम है तो भी अप्लाई कर लेना, क्योंकि जो है यहाँ पर आपको जो है एडिक्वेट देखा जाता है, ऐसा नहीं होता कि एक्यूरेट चाहिए, आप अप्लाई कर देना ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। एग्ज़ाम आपका निकले मैं तो यही आशा करूँगा। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है कैंडिडेट्स को अगर वो मेडिकल फिट है, अगर 145 भी 150 भी 155 भी है तो भी अप्लाई करो, मैं यही रिकमेंड करूँगा ठीक है। बस आपको यहाँ पर फिजिकली फिट होना है। यहाँ पर सिलेक्शन मेथड आपके तीन तरीके के पेपर होंगे, आप पहला क्लियर करेंगे, क्वेश्चन विल बी ऑन मैथमेटिकल साइंस और जो है जनरल अवेयरनेस के बेस के होंगे ठीक है, पहला पार्ट ये होगा। दूसरा आपका जो है एडवांस टेस्ट होगा, जो यहाँ पर बोल रहे कैंडिडेट क्लियरिंग प्री, अगर आप ये ऊपर वाला क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन एडवांस टेस्ट, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे। पहला तो है वो कॉमन होगा, थर्ड पे आ जाते हैं, अगर आप दूसरा क्लियर करते हैं फिर थर्ड पे आएंगे। ओनली फॉर दोज कैंडिडेट वो हैव क्लियर स्टेज टू टेस्ट, अगर आप दूसरा टेस्ट क्लियर करते हैं, और ये जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, कोई आपके नंबर आगे नहीं जोड़े जाएंगे। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, ये स्कोप ऑफ ट्रेनिंग है, आप देख लें कि कहाँ पे जो है आपके ट्रेनिंग होने के पूरे पूरे चांस हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, आई थिंक जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड की कंडीशन होती है, कंपनियाँ चाहती है कि कंपनियाँ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़े ना, तो यहाँ पर अगर आप लग जाते हैं तो लगने के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों का दूसरे डिपार्टमेंट में भी नंबर आ जाता है, जैसे DRDO में किसी और का आ गया तो वो सोचते हैं कि कहाँ पे जाए, तो इस केस में अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो कंपनी आपसे 3 साल का बॉन्ड साइन करवाएगी कि 3 साल से पहले पहले आप जो इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते और कहीं और जा नहीं सकते। तो ये बॉन्ड होता है, अगर आप इसे छोड़ते हैं तो आपको जो है कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ती है, लेकिन अंदर सेटलमेंट हो जाते हैं अगर आप लग जाते हैं तो वो बात की बात है, उसे छोड़ो ठीक है। ये आपके कुछ काम होंगे जो अकॉर्डिंगली ट्रेड वाइज दिए हुए हैं। ये इन्होंने जो एक वैकेंसी है यहाँ पर देखो, एक तो टेक्नीशियन भी बॉयलर ऑपरेटर के, जिसमें आपको बॉयलर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बॉयलर जो सर्टिफिकेट होता है इसके बारे में जानते नहीं है, तो एक स्पेशल वीडियो कभी ना कभी लेकर आ जाऊँगा इसके बारे में, आई हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस। टेक्नीशियन बी में पेंटर है, एक पोस्ट है बस, देख लें, आपको ITI क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर जो है 2 साल का रखा हुआ है, या फिर आपका 1 साल का ITI, 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर एक्सपीरियंस चल जाएगा, यानी 2 साल कैसे ना कैसे आपको कवर करने हैं। एज मैंने बताई दिया आपको 18 से, आई थिंक वो ऊपर जो थी वो ऊपर वाली पोस्ट के लिए एज थी, ये इसके लिए एज जो है 18 से 25 साल इनके लिए, मे बी ऐसा, हाँ ये इस वालों के लिए, इस ये जो ऊपर वाला पार्ट दिया है। बाकी एक बार आप पढ़ लेना, कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन करना, जहाँ लगे कि मैंने कुछ गलती की है मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ताकि मैं उसे करेक्ट करके आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। और ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ मैंने सही बताया, एज ऊपर वालों का अलग है 18 से 22 वाला, और इसके लिए अलग है 18 से 25 वाला। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये कुछ इमोल्यूमेंट्स हैं, मतलब जो सैलरी स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी आप देख सकते हैं, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन इसका फॉर्म होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का ठीक है। तो ये फ़ी लड़कियों के लिए कोई फ़ी नहीं, SC के लिए कोई फ़ी नहीं, ST के लिए कोई फ़ी नहीं, जनरल और OBC के लिए फ़ी है, वो भी लड़कों के लिए। यहाँ पर कुछ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, इन्हें आप देख लेना, ताकि जो है आपको फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये आपकी चेकलिस्ट फॉर दी कैंडिडेट्स है, ये बोल रहे हैं टू बी अटैच टू दी एप्लीकेशन है सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जाम। ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ आपको जो है लेकर जाने पड़ेंगे, ये मैं बाद में बता दूंगा, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है क्या चीज़ है कि ये आपको रिटर्न एग्जाम के टाइम पर लेकर जाने पड़ेंगे। और ये जो है नीचे हिंदी में नोटिफिकेशन दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना। और मैंने कुछ स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, पेड है, आप जाकर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसरो, DRDO, ONGC, IOCL में उसका बेनिफिट हुआ है। अगर आपको वीडियो सही लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोज़ टाइम पर पा लेना। धन्यवाद।